कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को हार का स्वाद चखना पड़ा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया अमेठी की सरजमी पर, लेकिन अब एक बार फिर से अमेठी में अपने किले को दुरुस्त करने में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की देखरेख में कांग्रेस एक बार फिर से अमेठी में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी के खिलाफ पार्टी को एक बार खड़ा किया जा सके। अमेठी कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस किले में भाजपा ने सेंध लगा दी, राहुल गांधी को करारी हार मिली। लोकसभा चुनाव के एक साल बाद अब कांग्रेस को एक बार फिर से अमेठी की याद आ गई है। इसी जमीन पर कांग्रेस अपने किले को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। अमेठी में भाजपा नेता स्मृति ईरानी की जीत के साल भर बाद यहां के लोगों की थाह लेने में कांग्रेस जुट चुकी है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने जिला कमेटी को निर्देश दिया है कि जिले की हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखे। आपको बता दें, राहुल गांधी की अमेठी में हार के बाद राहुल एक बार, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी दो दो बार अमेठी जा चुके हैं। इसके जरिए राहुल गांधी और गांधी परिवार ये जताना चाहता है कि अमेठी की जनता के साथ खड़े हैं। कोरोना संकट के दौरान प्रियंका गांधी के साथ ही राहुल गांधी कई बार जिला कमेटी के लोगों से बातचीत कर चुके हैं। पार्टी की रणनीति के तहत कांग्रेस अमेठी की हर छोटी बड़ी घटना पर सीधे दखल दे रही है, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए मैदान जंग में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ कूद पड़े हैं। हालांकि इन सबके बीच में रायबरेली का मिजाज कांग्रेस के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों का ध्यान अमेठी पर केंद्रित है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।